जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, आज बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा 905 पोस्टों के लिए यहां पर रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया। राज्य सेवा के अंतर्गत पर 424 पोस्टों के लिए और अधीनस्थ सेवा के लिए 481 पोस्टों के लिए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत पर जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा शॉर्ट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। अगर विज्ञप्ति की बात करें तो 28/6/2023 को 28 जून 2023 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड कर दिया गया है। देखिए, आयोग द्वारा जो कार्मिक है इसके अंतर्गत की बात करें तो अगर आप देखना चाहते हैं तो RPSC, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे RPSC या क्रोम पर करेंगे तो आपको मिल जाएगा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर, ठीक है। ऑफिशियली पेज आपका क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा राजस्थान स्टेट के अंतर्गत पर जो भी RPSC एग्जाम करवाता है। आयोग द्वारा कार्मिक विभाग के लिए गैर TSP क्षेत्र सामान्य हेतु राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती नियम 1999 के अंतर्गत एवं TSP क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी के सेवा के लिए भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के कुल 905 राज्य सेवा के अंतर्गत पर 424 पोस्ट है, जैसे कि पहले मैंने बात करी, और अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत पर 481 टोटल कितनी होगी 905 पोस्टों के लिए यहां पर ऑनलाइन आवेदन आपके लिए आमंत्रित किया गया है। मैं शॉर्ट रूप से इंफॉर्मेशन बताऊंगा यहां पर और जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए वही चीज़ें। और इसके अंतर्गत पर कहा गया है कि आयोग के द्वारा कहा गया है कि विभाग के अंतर्गत पर पदों की संख्या क्या की जाएगी, घटाई या बढ़ाई जा सकती है, इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। शॉर्टली बात करते हैं, जैसे राज्य सेवा के अंतर्गत पर 424 पोस्ट है तो इसके अंतर्गत पर 21 डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पर रिक्रूटमेंट है। अब एक एक करके देख लेते हैं किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पर कितनी पोस्ट है। जैसे कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत पर 67, राजस्थान पुलिस सेवा के अंतर्गत पर 60, और थर्ड नंबर का है राजस्थान लेखा सेवा के अंतर्गत पे 130 पोस्ट है। फोर्थ नंबर का है राजस्थान सहकारी सेवा के अंतर्गत पे 46 पोस्ट है। फाइव नंबर की बात करें तो राजस्थान नियोजन सेवा के अंतर्गत पे 3 पोस्ट है। सिक्स नंबर की बात करें तो राजस्थान कारागार सेवा के अंतर्गत 8 पोस्ट है। सेवन नंबर की बात करें तो राजस्थान उद्योग सेवा के अंतर्गत पे 11 पोस्ट है। एटवें नंबर की बात करें तो राजस्थान राज्य बीमा सेवा के अंतर्गत पे 14 पोस्ट है। नाइन नंबर की बात करें तो राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के अंतर्गत पे कोई पोस्ट नहीं है। 10 नंबर की बात करें तो राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सेवा के अंतर्गत पे 1 पोस्ट, और 11 नंबर की बात करें तो राजस्थान पर्यटन सेवा के अंतर्गत पे कोई पोस्ट नहीं है। 12 नंबर की बात करें तो राजस्थान परिवहन सेवा के अंतर्गत पे 10 पोस्ट है। राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत पे 55 पोस्ट है, और राजस्थान देवस्थान सेवा और राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा और राजस्थान महिला विकास सेवा जो 14, 15 और 16 नंबर का है, ठीक है, आप देख लेंगे 14, 15 और 16 के अंतर्गत पे कोई पोस्ट नहीं है। और उसके बाद की बात करें तो 17 नंबर का है 17वें नंबर का राजस्थान श्रम कल्याण सेवा के अंतर्गत पर 13 पोस्ट है। 18 नंबर का है राजस्थान आबकारी सामान्य शाखा सेवा के अंतर्गत पर 3 पोस्ट है, और 19 नंबर की बात करें तो राज्य आबकारी के अंतर्गत पे क्या है सेवा के अंतर्गत पर कोई पोस्ट नहीं है। 20 नंबर की बात करें तो राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात सेवा के अंतर्गत पर 3 पोस्ट है, और 21 नंबर की बात करें तो राजस्थान राज्य कृषि सेवा विपणन अधिकारी के अंतर्गत पर भी कोई पोस्ट नहीं है। देखिए, 21 डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पर 424 पोस्टों का जो बंटवारा किया गया, शॉर्टली रूप से मैंने यहाँ पर बात कर दी है किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे कितनी पोस्ट है। देखिए, अब अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत पे 481 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत पे 11 डिपार्टमेंटों को बांटा गया है। देखते हैं किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे कितनी पोस्ट हैं। जैसे सबसे पहला फर्स्ट नंबर का है राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है, और सॉरी यहाँ पर बहुत है 22 डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे, ठीक है, 11 नहीं है, थोड़ा सा गौर करना क्योंकि इधर इंक्लूड किया गया है। और दूसरे नंबर का है राजस्थान सहकारी अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत पे 196 पोस्ट है, 196। थर्ड नंबर की बात करें तो राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा TSP के अंतर्गत पे 7 पोस्ट है। फोर्थ नंबर की बात करें तो राजस्थान तहसीलदार सेवा के 102 पोस्ट है। फाइव नंबर की बात करें तो राजस्थान तहसीलदार सेवा TSP 12 पोस्ट है। सिक्स नंबर की बात करें तो राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा में कोई पोस्ट नहीं है। सेवन नंबर की बात करें तो राजस्थान नियोजन अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत पे 3 पोस्ट है, और एट नंबर की बात करें तो राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत पे 11 पोस्ट है, और नाइन नंबर की बात करें तो राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा में 33 पोस्ट है, और टेन नंबर की बात करें तो राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा TSP 4 पोस्ट है। इलेवन नंबर की बात करें तो राजस्थान
खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत 48 पोस्ट हैं। 12 नंबर की बात करें तो राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा TSP में कोई पोस्ट नहीं है। 13 नंबर की बात करें राजस्थान समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा में 9 पोस्ट हैं। 14 नंबर की बात करें तो राजस्थान समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा TSP में 2 पोस्ट हैं। और 15 नंबर की बात करें तो राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी के अंतर्गत 10 पोस्ट हैं। 16 नंबर की बात करें तो राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी TSP में 1 पोस्ट है। 17वें नंबर का 17 नंबर की बात करें राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। 18 नंबर की बात करें राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा जिला परिवीक्षा सह समाज कल्याण अधिकारी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। 19 नंबर की बात करें तो राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत 13 पोस्ट है। 20 नंबर की बात करें राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा TSP के अंतर्गत 1 पोस्ट है। 21 नंबर की बात करें तो राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत 6 पोस्ट है। और 22 नंबर की बात करें तो राजस्थान अधीनस्थ सेवा राज्य कृषि विपणन विभाग अनुभाग कनिष्ठ विपणन अधिकारी के लिए 22 पोस्ट यहां पर है। ठीक है, टोटल बात करेंगे हम यहां पे। अगर शॉर्टली रूप से बात करें तो अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत पे 22 डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे 481 पोस्टों का जो बंटवारा किया गया है, जो इनके द्वारा यहाँ पर अगर बात करें तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो दो टेबल प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, राज्य सेवा के 424 पोस्टों के लिए और अधीनस्थ के 481 पोस्टों के लिए, तो वो टेबल हमने बता दिया किस में कितनी पोस्ट हैं। ठीक है, ये नोट वोट आप पढ़ लेने, इसके अंतर्गत पर जो चीज़ हो जाता है अगर बात करें तो जो चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं यहाँ पर देख के आपको बताने की कोशिश करूँगा। हो सके कुछ छूटेगा तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, मेरा कोशिश है कि शॉर्ट रूप से मैं आपको प्रोवाइड करूं। अगर देखिए, अगर इसके अंतर्गत पे इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंतर्गत पे क्या होना चाहिए, आपके पास में मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑफ एनी कोई भी यूनिवर्सिटी से आपके पास में क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, शॉर्ट रूप से मैं बता देता हूँ, ज़्यादा मैं पढ़ के नहीं बताऊँगा इसके अंतर्गत पे। और उसके बाद में शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो उक्त पदों में अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। देखिए, आप समझ गए होंगे, आपके अर्हता की बात करें तो इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा गया है। और उसके बाद में आपके पास में जो आपका मेंस लिखना है या मेंस जब आपका मुख्य परीक्षा हो जाएगी तो तब तक आपको डॉक्यूमेंट जो है क्लियर करवाने हैं, आप समझ गए होंगे। अगर एज लिमिट की बात करें तो 1/1/2024 को आपको, मतलब 1 जनवरी 2024 को आपकी एज मिनिमम 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए। मतलब 1 जनवरी 2024 को आपकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम मैक्सिमम 40 वर्ष 40 साल होनी चाहिए। अराजपत्रित कर्मचारी के लिए जो राज्य के कर्मचारी हैं तो 1 जनवरी 2024 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो परंतु 45 वर्ष का नहीं हुआ हो वो इसके लिए इलिजिबल है, आपको भी इस चीज के लिए ध्यान में रखना है। ठीक है, और नोट आप इसके अंतर्गत पे पढ़ लीजिएगा और क्या चीज कह रहा है। अब बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि जैसे लिखा गया है कि जो एज का प्रावधान है इसके अंतर्गत पे, जैसे यहाँ पर लिखा गया है राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए पुरुष के लिए क्या किया जाएगा, 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। राजस्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा और आर्थिक रूप से कमजोर महिला को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला को 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत की बात करें तो विधवा एवं विच्छिन्न विवाह जो है इसके अंतर्गत महिला को अधिकतम आयु सीमा इसके अंतर्गत पर नहीं दी गई है। और आप चीज़ पढ़ लीजिएगा, बहुतों पर छूट नहीं दिया गया है, बहुत सारा लेंदी हो जाएगा इसके अंतर्गत पे। और जैसे कि मैंने पहले बता दिया है कि मिनिमम एज लिमिट 21 है और मैक्सिमम 45 ईयर्स है। और कोई 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 बेस के लिए यहाँ पर कितनी मांगी है, 40 वर्ष मांगा गया है। ठीक है, और आपने यहाँ पर समझ लिया होगा शॉर्टली रूप से, और ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। अगर बात करें तो और यहाँ पर क्या चीज़ निकल के आता है, जैसे अन्य विवरण की बात करें तो चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पर आपको एग्ज़ाम देना है, प्रीमेंस इसके अंतर्गत पर होगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। और पाठ्यक्रम की बात करें तो ऑनलाइन ऑफलाइन ली जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से ऑफलाइन ऑनलाइन या ऑफलाइन ली जाएगी, या तो देखते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन होता है, वैसे तो ज़्यादा ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं और मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक रूप से ली जाएगी, जो जिसके अंतर्गत पर वेबसाइट रूप से आपके लिए क्या किया जाएगा, पृथक रूप से जानकारी आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया
किया जाएगा। वैसे बात कही गई है कि प्री या तो ऑनलाइन ऑफलाइन होगा, खासतौर पर इतना ध्यान दीजिए कि जो एग्ज़ाम होती है तो ऑनलाइन ऑफलाइन होता है, ठीक है। और अगर बात करें तो परीक्षा का स्थान माह की बात करें तो उपरोक्त पदों हेतु परीक्षा मार्च सितंबर अक्टूबर 2023 में आयोजित की जाएगी। उसके संबंध में आपको क्या किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो आपका एग्जाम सेंटर होगा, ठीक है। ये चीज़ भी आप इसके अंतर्गत पे समझ गए होंगे, बस ये डॉक्यूमेंट बेस के अंतर्गत पे है। अगर बात करें तो जैसे यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस बेस प्रोवाइड किया गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक बार बता देता हूँ मैं, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का जैसे प्रीलिम्स और मेंस होना है तो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के अंतर्गत पे मैक्सिमम मार्क्स 200 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स के अंतर्गत पे 180 मिनट के अंतर्गत पे आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे इसके अंतर्गत पे। और एक चीज़ देखते हैं, फॉर्म फीस छूट गया था शायद यहाँ पर इसके अंतर्गत पे, ठीक है। अगर बात करें तो सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु शुल्क 500 रुपये निर्धारित है, और इसी के अंतर्गत पे अगर कोई आपका मिस्टेक हो जाता है आपको उसमें करेक्शन करना है तो 500 रुपये आपको फॉर्म फीस पे करना होगा। अनारक्षित पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग क्रिमिनल ईयर के विद्यार्थियों को 600 रुपये फॉर्म फीस पे करना है। और दूसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पर है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और पिछड़े वर्ग के अंतर्गत पर नॉन क्रिमिनल ईयर के अंतर्गत पर आता है, और अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिनल ईयर के अंतर्गत पर, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और शहरिया क्षेत्र के विद्यार्थियों को 400 रुपये फॉर्म फीस पे करना है, और दिव्यांगों को 400 रुपये इसके अंतर्गत पे फॉर्म फीस पे करनी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फॉर्म फीस इन्फॉर्मेशन आपने समझ लिया, सिलेबस की हम बात कर रहे थे इसके अंतर्गत पे। जैसे कि यहाँ पे लिखाया गया है कि स्कीम जो भी है इसके अंतर्गत एग्जामिनेशन का, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बेस के अंतर्गत पे जैसे यहाँ पर लिखा होगा कि जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस के अंतर्गत पे 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन होंगे, और 3 आवर्स के अंतर्गत पर आपको सॉल्व करना, मतलब 180 मिनट के अंतर्गत पर आपको सॉल्व करनी है। अब देखिए मेंस के अंतर्गत पर जो आप लोग के लिए होना है, तो जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट 200 मार्क्स का, और जनरल स्टडी सेकंड पेपर 200 मार्क्स का, जनरल स्टडी थर्ड पेपर 200 मार्क्स का, और जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश क्या होगा 200 मार्क्स का होगा। 4 पेपर इसके अंतर्गत पे होंगी, ये भी आपने समझ लिया होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पूरा डीपली इन्फॉर्मेशन दिया गया, वैसे आपने पढ़ लिया, शॉर्ट रूप से समझ गए होंगे कि सिलेबस कैसे कैसे आता है, प्री के अंतर्गत पे कितने क्वेश्चन पूछेगा, मेंस के अंतर्गत पे कितने क्वेश्चन पूछेगा, और गूगल करके देख लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पर आपको मिल जाएगा। वैसे तो ये वही चार्ट है जो मैंने पहले आप लोग के लिए प्रोवाइड किया था कि किसके अंतर्गत पर कितनी वैकेंसी है, कितनी पोस्ट हैं, और कैसे आपको अप्लाई करनी है। अगर बात करें तो आपको कैसे अप्लाई करना है, RPSC आप गूगल पर RPSC सर्च कीजिएगा तो आपको पूरा वेबसाइट वैसे तो खुल जाता है, ठीक है। और उसके बाद में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन उसके अंतर्गत पर मिल जाएगा जहां से आपको फॉर्म भरनी है। इंपॉर्टेंटली रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन राजस्थान बेस के अंतर्गत पर RPSC के अंतर्गत पर जो यहां पर रिक्रूटमेंट आपके लिए अपडेट किया गया है, लगभग बात करें तो 905 पोस्टों के लिए, राज्य सेवा के अंतर्गत पर 424 पोस्टों के लिए, और अधीनस्थ सेवा के लिए 481 पोस्टों के लिए जो आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, सॉल्ट रूप से हमारे द्वारा आप लोग के लिए यहां पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए।